कहानी के द्वारा संस्कार सरिता को आगे बढ़ाने वाली इन बहनों को हमने सुना। मैं जब उनसे फोन पे बात कर रहा था, इतनी लंबी बात थी तो मुझे लगा कि मन की बात के समय की सीमा है, तो मेरे उनसे जो बातें हुई है वो सारी बातें मैं मेरे नरेंद्र मोदी ऐप पर अपलोड करूंगा। पूरी कथाएं जरूर वहां सुनिए। अभी मन की बात में तो मैंने उसका बहुत छोटा सा अंश ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा, परिवार में हर सप्ताह आप कहानियों के लिए कोई समय निकालिए, और ये भी कर सकते हैं कि परिवार के हर सदस्य को हर सप्ताह के लिए एक विषय तय करें। जैसे मानो करुणा है, संवेदनशीलता है, पराक्रम है, त्याग है, शौर्य है, कोई एक भाव, और परिवार के सभी सदस्य उस सप्ताह एक ही विषय पर सबके सब लोग कहानी ढूंढेंगे और परिवार के सब मिलकर के एक एक कहानी कहेंगे। आप देखिए परिवार में कितना बड़ा खजाना हो जाएगा, रिसर्च का कितना बढ़िया काम हो जाएगा, हर किसी को कितना आनंद आएगा और परिवार में एक नई प्राण, नई ऊर्जा आएगी। उसी प्रकार से हम एक काम और भी कर सकते हैं। मैं कथा सुनाने वाले सबसे आग्रह करूंगा, हम आजादी के 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं, क्या हम हमारी कथाओं में पूरे गुलामी के कालखंड के जितनी प्रेरक घटनाएं हैं उनको कथाओं में प्रचारित कर सकते हैं? विशेषकर 1857 से 1947 तक हर छोटी मोटी घटना से हम हमारी नई पीढ़ी को कथाओं के द्वारा परिचित करा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस काम को करेंगे। कहानी कहने की ये कला देश में और अधिक मजबूत बने, और अधिक प्रचारित हो और सहज बने, इसलिए आओ हम सब प्रयास करें।